इगतपुरी एक ऐसी जगह में से एक है जो आपके दिल को आसानी से मंत्रमुग्ध कर सकती है और आपके लिए जिंदगी भर याद रखने वाली ट्रिप हो सकती है। जब आप इगतपुरी में सुंदर पहाड़ों, विशाल लेक, डैम को देखेंगे एंड मेजेस्टिक वाटरफॉल और बारिश की आवाज़ सुनेंगे। सो जॉइन अस एज वी शो यू द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन इगतपुरी। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लोर विद फ्रीडम। तो आज हम आए हैं मॉनसून एंजॉय करने इगतपुरी में, जो मुंबई के बहुत ही पास आया है, और हम अराउंड 2 घंटे में यहाँ पे पहुँच गए। एंड अब हम आए हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट पे, वो है कैमल वैली। तो आप देख सकते हो कि ये कैमल वैली है, लेकिन यहाँ पे ज़रा भी विजिबिलिटी नहीं है। बट यू नो, मॉनसून में विजिबिलिटी हो या विजिबिलिटी ना हो, यू विल एंजॉय इक्वली। यहाँ पे वाटरफॉल है और उसकी वाटरफॉल की यू नो आवाज़ जो आती है पानी की, वो बहुत ही अमेजिंग आ रही है। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छा खासा टाइम बिता सकते हो। तो कैमल वैली से थोड़ा सा ही दूर एक घटन देवी मंदिर है। यू नो, वैसे हमारे पास मांगने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन चलो भगवान के दर्शन करके आते हैं और उनको यू नो इतनी ब्यूटीफुल लाइफ के लिए थैंक यू बोल के आते हैं। अब हम पुराने घाटन देवी मंदिर पहुंचे हैं, जो नासिक मुंबई हाईवे पर स्थित है। हम अभी आए हैं इगतपुरी लेक पे, और आप मेरे पीछे देख सकते हो कि इगतपुरी लेक के एकदम सामने बहुत ही जायंट पर्वतमाला है, और वहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल है। अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 वाटरफॉल तो यहाँ से हमें दिख रहे हैं। तो यू नो, इतना जायंट और इतना भव्य नेचर को देख के वैसा लगता है कि हाउ स्मॉल वी आर एंड कुदरत कितना बेहतरीन है। मैं यह सोचकर दंग रह जाती हूँ कि कैसे बारिश की बूंदें हमारे प्लैनेट अर्थ की सुंदरता को इतना बढ़ा देती है। एंड इन मॉनसून, ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ इगतपुरी इज फिल्ड विथ लाइफ एंड ग्रीनरी। दिस वाटरफॉल इज लुकिंग सेम एज द वन वी हैड सीन इन ऑर्गेनिक फार्म्स खपोली। इगतपुरी लेक में आप कोई भी एंगल से आप देखोगे, अलग अलग एंगल से आपको अलग अलग ही व्यू मिलेगा, अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा। अमेजिंग। तो इगतपुरी में सबसे स्पेक्टेकुलर जगह अगर कोई है तो वो है इगतपुरी लेक। और यहाँ पे इतना खूबसूरत, यू नो, मैं इसकी ब्यूटी को पता नहीं वर्ड्स में कैसे बयां करूँगी, लेकिन यहाँ पे 4-4 वाटरफॉल है, वो नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे पूरा रिवर फ्लो बन रहा है और वो जाके लेक में मर्ज हो रहा है। सो इट इज़ लाइक एंटायर सीरीज यू कैन सी हियर फ्रॉम योर आईज एंड इट्स रियली वंडरफुल। चारों ओर ग्रीनरी ग्रीनरी है, पीछे पहाड़ है, आगे लेक है, व्हाट अ व्यू। इस खूबसूरत जगह पर आकर मैं महाराष्ट्र का पसंदीदा नाश्ता वड़ा पाव खाना कैसे मिस कर सकती हूँ। तो अब हम पहुंचे हैं बावली डैम। फ्रॉम पार्किंग एरिया यू हैव टू वॉक ऑन दिस पाथवे टू सी सच एन अमेजिंग व्यू ऑफ ओवरफ्लोइंग बावली डैम। वाह, यहाँ बावली डैम के पानी के प्रवाह को तो देखो। This is so amazing and you can see the abundance of nature here. Bavli Dam ke amazing view ko dekhne ke baad you can go to the top of the Bavli Dam. Wow, what a majestic view it is. आप
आप बावली डैम में ऊपर आओगे तो ऊपर से जो व्यू है, जो सीनरी है, दैट रियली मेस्मराइजिंग. यू कैन रियली एक्सपीरियंस हेवन ऑन अर्थ एट बावली डैम इगतपुरी. तो अभी हम पहुंचे हैं बावली वाटरफॉल. देखो कितना ब्यूटीफुल और जायंट वाटरफॉल है. चलो बावली वाटरफॉल को आपको आगे से दिखाते हैं. वाओ, इतने सारे वाटरफॉल, वो भी इतने नज़दीक से, मैं शायद पहली बार ही देख रही हूँ. आप यहाँ पे देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल वाटरफॉल है. और ये बावली वाटरफॉल जो है उसके जस्ट बाजू में है, यू नो, थोड़े से मीटर में ही. अमेजिंग, ट्रूली महाराष्ट्र टर्न्स इनटू ग्रीन हेवन ड्यूरिंग द मॉनसून. ये वाटरफॉल्स बावली डैम रोड पे ही स्थित है. अब हम पहुंच गए हैं गावहंडे वाटरफॉल और ये बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन है एक ब्यूटीफुल स्ट्रीम ऑफ वाटर, यू नो, रिवर को देखने के लिए. तो मॉनसून में इगतपुरी एकदम हेवन बन जाता है. आप देख सकते हो कि हर एक 5 मिनट पे कोई ना कोई वाटरफॉल दिख रहे हैं और वो भी कितने बड़े बड़े. नदी में पैर डुबा के खाने का कुछ मज़ा ही अलग होता है, यू नो. तो यहाँ पे एक वाटरफॉल है सामने और यहाँ पे बहुत जायंट नदी है और वहाँ पे बहुत सारे मैगी वाले हैं. एंड यू कैन सी दैट, यू नो, ये जो मज़ा है दैट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड. प्लस यहाँ पे आप खा तो सकते हो, लेकिन जस्ट मेक श्योर करना कि आपके जो भी स्पून वगैरह है या तो फिर प्लेट वगैरह है, आप वो डस्टबिन में ही डालो. इगतपुरी में रहने के लिए हम लोगों ने फर्स्ट टाइम, यू नो, एयरबीएनबी बुक किया है. तो आप देख सकते हो कितना प्यारा घर है, प्लस व्यू बहुत ऑसम है. और ये बुकिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. हम जिस होम स्टे में ठहरे हैं उसके कंपाउंड में ही ग्रैंड गार्डन रिजॉर्ट है और आप वहाँ डिनर कर सकते हैं. यहाँ पे लाइव म्यूजिक है वीकेंड पे एंड आई एम श्योर इट विल बी ऑसम डाइनिंग एक्सपीरियंस. रेस्टोरेंट में खाना बहुत ही स्वादिष्ट है. हमारे इगतपुरी होम स्टे के पास सुबह कुछ इस तरह खूबसूरत दिखती है. सुबह के समय चारों ओर फॉग छाया रहता है और आसपास का वातावरण बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है. चारों ओर हरियाली का नज़ारा, बारिश की मनमोहक खुशबू, पक्षियों की मधुर आवाज़, निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही सूदिंग एक्सपीरियंस होगा. अगले एपिसोड में हम आपको मॉनसून के दौरान महाराष्ट्र में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक दिखाएंगे. इसलिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.